नमस्कार दोस्तों, एज थ्रेडर्स की और एक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए देखते हैं फ्रेंड्स, मंगलवार को यानी 16 अगस्त को बैंक निफ्टी ऑप्शन और निफ्टी ऑप्शन में क्या हो सकता है, क्योंकि 15 अगस्त को छुट्टी है फ्रेंड्स। तो इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट में लास्ट फ्राइडे को कैसे क्लोजिंग हुआ है। फ्रेंड्स यहाँ पर आप चेक करोगे ग्लोबल मार्केट में तो SGX निफ्टी 17842 यानी 132 पॉइंट प्लस में क्लोज हुआ है। US 3357 प्लस में क्लोज हुआ है। डाउ जोंस 400 प्लस में क्लोज हुआ है। डेक्स 100 पे क्लोज हुआ है। तो ये पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है फ्रेंड्स ग्लोबल मार्केट में। तो हमें ये देखना है मंगलवार को सुबह में कि क्या ये पूरे ग्लोबल मार्केट का फ्यूचर मंगलवार को भी सुबह में प्लस में रहता है या माइनस में रहता है। अगर फ्रेंड्स अभी देखा जाए तो इसके हिसाब से हमारा मार्केट भी गैप ओपन होने की पूरी संभावना है मंगलवार को। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स निफ्टी में क्या हो सकता है 16 अगस्त को। फ्रेंड्स निफ्टी का क्लोजिंग हुआ है करीबन 17700 के पास उसका क्लोजिंग हुआ है। और आप यहां पर चेक करोगे 10 अगस्त को उसने एक हैमर टाइप का कैंडल बनाया था और 11 अगस्त को उसने गैप ओपन कर दिया और उसने 12 अगस्त को उसका क्लोजिंग दिया है 17700 पे क्लोजिंग हुआ है और उसने हाई मारा था 17724। तो हम देख लेते हैं सोमवार को क्या सिनेरियो बन रहा है फ्रेंड्स हमारे निफ्टी 50 में। फ्रेंड्स ये मैंने पहले से लेवल मार्क करके रखा है जो मैं आपको अभी बता देता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे आप चेक करोगे वन डे के कैलेंडर में तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये रजिस्ट्रेशन की लाइन नीचे जा रहा है फ्रेंड्स। वन टाइम, टू टाइम, थ्री टाइम और ये हमारा रजिस्ट्रेशन लाइन का आ रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे इतने में आ रहा है। और SGX निफ्टी के हिसाब से हमारा गैप ओपन होने की पूरी संभावना है। तो वो कहाँ पे गैप ओपन हो सकता है फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से इस एरिया में गैप ओपन हो सकता है हमारा निफ्टी 50 मंगलवार को। तो इसका लेवल निकल के आ रहा है फ्रेंड्स 17800 के करीब ओपन हो सकता है। गैप ओपन होने के बाद फ्रेंड्स हमें कुछ टाइम वेट करना पड़ेगा, प्राइस एक्शन बनने का वेट करना पड़ेगा। उसके बाद जिस तरफ वो ब्रेक करता होता है समझ लो कि ये जो ट्रेंड लाइन जा रही है उस ट्रेंड लाइन के ऊपर ओपन सस्टेन हो जाता है कुछ टाइम तक तो उसका टारगेट आ सकता है 17900 के करीब जाने की पूरी कोशिश करेगा हमारा निफ्टी 50। और अगर समझ लो यहाँ पे 5 मिनट की फर्स्ट कैंडल अगर शूटिंग स्टार कैंडल बनती है और उसी शूटिंग स्टार कैंडल के नीचे जाता है तो हम उसी शूटिंग स्टार कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस लगा के हम पुट बाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। और उसका अल्टीमेट डाउन के साइड में मूवमेंट आ सकता है फ्रेंड्स, जो गैप पड़ेगा उसको फिल करने के नीचे आ सकता है, जिसका लेवल आ सकता है फ्रेंड्स 17700 के करीब। अगर उसको भी ब्रेक करता है तो डाउन के साइड में जाने की पूरी संभावना है, जिसका टारगेट आ सकता है 17650 के करीब अगर गैप ओपन होता है तब की ये बात है। ओके, और बाई चांस अगर फ्रेंड्स 50 मिनट की चार्ट में हम देख लेते हैं, बाई चांस अगर मंगलवार को सोमवार की जगह नहीं मंगलवार को फ्रेंड्स अगर मैं इसको नीचे निकाल लेता हूं फ्रेंड्स, मंगलवार को अगर किसी कारण से फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन में हमारा कौन सा लेवल रहेगा फ्रेंड्स जो मैंने पहले से मार्क करके रखा है वो मैं आपको बता देता हूँ। 17750 से लेकर 17650 के बीच में ओपन होने के बाद अगर ये लेवल ब्रेक होता है अपसाइड में 17750 तो उसका पहला टारगेट आ सकता है 17800 और दूसरा टारगेट आ सकता है फ्रेंड्स अपसाइड में 17900 के करीब जा सकता है। और अगर डाउन के साइड में 17650 ब्रेक करता है तो उसका पहला टारगेट आ सकता है 17600 और दूसरा टारगेट आ सकता है 17540 के करीब आ सकता है, क्योंकि ये जो गैप पड़ा हुआ है इस गैप को फिल करने के लिए नीचे आ सकता है निफ्टी। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है वो गैप ओपन होने की पूरी संभावना है मंगलवार को। तो आइए देखते हैं अब बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है फ्रेंड्स मंगलवार को यानी 16 अगस्त को। फ्रेंड्स यहाँ पर आप चेक करोगे कि बैंक निफ्टी ने एक हैमर टाइप का ग्रीन कैंडल बना है जो एक बुलिश टाइप का पैटर्न है फ्रेंड्स और उसका क्लोजिंग हुआ है 39040 के पास उसका क्लोजिंग हुआ है। तो वन डे के कैंडल में अगर आप चेक करोगे यहाँ पे देखोगे तो लगातार वो डाउन से अप ही जा रहा है फ्रेंड्स और उसका अल्टीमेट गोल मुझे लगता है ये जो है 39,332
और दूसरा टारगेट आ सकता है उसका 39,731। लेकिन मैं एक काम करता हूँ, पहले से मैंने जो लेवल मार्क करके रखा है वही मैं निकालता हूँ, और अगर गैप ओपन होता है, कौन से लेवल का गैप ओपन हो सकता है फ्रेंड्स, अगर निफ्टी गैप ओपन होती है तो हमारे बैंक निफ्टी भी गैप ओपन होने की पूरी पूरी संभावना है 200 से 300 पॉइंट, जिसका लेवल आ सकता है फ्रेंड्स 39,245। इस जोन में ओपन हो सकता है, इस ओपन होता है उसके बाद अगर हमें कुछ टाइम प्राइस एक्शन बनने का वेट करेंगे और जिस तरफ वो ब्रेक होती है फ्रेंड्स प्राइस एक्शन रजिस्ट्रेशन ये सब, और अगर ऊपर की साइड में ब्रेक होता है तो उसका टारगेट आ सकता है 39,400, और उसको ब्रेक करेगा तो दूसरा टारगेट आ सकता है 39,800 तक जाने की पॉसिबिलिटी है नेक्स्ट वीक में, यानी हो सकता है मंगलवार को भी आ सकता है, बुधवार को भी आ सकता है, गुरुवार को भी ये टारगेट आ सकता है फ्रेंड्स। और अगर बाई चांस 15 मिनट की चार्ट में देख लेते हैं फ्रेंड्स बैंक निफ्टी में, जिसका लेवल मैंने पहले से मार्क करके रखा है, बाई चांस अगर गैप अप नहीं ओपन होता है और फ्लैट ओपन होता है किसी कारण सर, तो उसका टारगेट आ सकता है गैप, ओके ये हमारा फ्लैट जोन रहेगा फ्रेंड्स, यानी नो ट्रेडिंग जोन। 39,042 पे क्लोज हुआ है ना, तो 39,110 अपसाइड में ब्रेक होता है तो उसका पहला टारगेट आएगा 39,247, और दूसरा टारगेट आ सकता है अपसाइड में फ्रेंड्स 39,400, और अगर डाउन के साइड में फ्रेंड्स 38,880 ब्रेक करेगा तो उसका पहला टारगेट आ सकता है 38,795, दूसरा टारगेट आ सकता है 38,650, क्योंकि यहाँ पे उसने सपोर्ट लेके पूरा दिन कंसोलिडेट किया है फ्रेंड्स। यहाँ पे अगर ये सपोर्ट भी ब्रेक होता है तो यहाँ पे ये जो गैप पड़ा है इस गैप को फिल करने के लिए नीचे आ सकती है बैंक निफ्टी, जिसका टारगेट रहेगा 38,400 के करीब फ्रेंड्स। मैं ये वीडियो एजुकेशन पर्पज से बनाता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। मैं ऑलवेज दो लेवल लेता हूँ, अगर फ्लैट ओपन होता है और अगर गैप डाउन ओपन होता है, गैप ओपन होता है उसके हिसाब से मैं लेवल लेता हूँ। हमें पता नहीं होता है कि मार्केट गैप ओपन होगा, फ्लैट ओपन होगा या गैप डाउन ओपन होगा, तो हमें और लेवल हमें निकाल के रखना पड़ता है, गैप अप का भी, फ्लैट का भी और गैप डाउन का भी। अगर नेक्स्ट डे किस तरफ कहाँ ओपन होती है उसके हिसाब से हमें ट्रेबल ट्रेड करना पड़ता है, तो ये लेवल हमें काम आता है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।